मैंने गिलास दिए, मैंने बोला 5 के 2 हैं। मैंने ये बोलते ही उसने मुझे बहन पे गाली दी और मेरे से हाथापाई करने लग गए। गलौज करके मारपीट की, उसने कहा कि तुम्हें मार मार के वापस पाकिस्तान भेज देंगे। उनका क्या हक है हमें भेजने का? कौन कौन है जो इस तरह से? क्या हुआ उन लोगों को फिर गाड़ी रिवर्स में आके मारने की, कुचलने की? पूरे लोग खड़े थे, घेरा जैसे 15-20 लोग थे, सब लोगों पे चढ़ाने की कोशिश। दोस्तों, वो सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में है, उसके नज़दीक में जो पाक हिंदू जो कैंप है वहाँ पे कल एक ऐसी घटना घट गई थी जो कि एक शर्मसार वाली घटना थी। बिल्कुल आपको मैं बता दूँ, वहाँ पे ऊपर जो ये हाईवे है, हाईवे पे एक दुकान लगती थी जो कि रामचंद्र जी की दुकान है। एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एक ये क्लिप है, पहले आप इस क्लिप को देखिए। ये क्लिप इतनी भयानक है और इसको, इस क्लिप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके साथ, इनके साथ क्या घटना घटी। कल हम सुबह दुकान पे बैठे थे तो दो बंदे गाड़ी में से उतरे थे, मेरे पास आके गिलास मांगे तो मैंने गिलास दिए। मैंने बोला 5 के 2 हैं। मैंने ये बोलते ही उसने मुझे बहन पे गाली दी और मेरे से हाथापाई करने लग गए। फिर मैं कैसे ऐसे करके मैंने उसे छुड़वाया। फिर मेरे दुकान का सामान था वो नीचे फेंका, मेरा गिरेबान पकड़ के दो बंदों ने मुझे मारा। फिर तब तक मैंने नीचे से घर पे आवाज़ मारी तो बंदे आए, तो हम लोगों ने भी उन लोगों को थोड़ा सा बचा किया। फिर थोड़ी देर के बाद लोग ज़्यादा हो गए तो वो बंदे माफ़ी मांगने लगे। माफ़ी मांग के पाँव पड़ के वो फिर जान छुड़वा के जाने लगे। आगे जाके फिर दोबारा वो गाड़ी घुमा के रिवर्स में रॉन्ग साइड है तो लोगों को कुचलने लगा। चोट भी उसमें लगी है मुझे, हाथ पे चोट भी लगी है, गाड़ी रॉन्ग साइड पे, ये हाथ पे चोट है मुझे, ये पूरा हाथ पे चोट है। जो दो युवक थे बिल्कुल नशे की हालत में थे और उन्होंने केवल 2 गिलास, प्लास्टिक के गिलास होते हैं, उन्होंने दारू के लिए ही मांगा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो गाड़ी में जो मैं अभी दिखाता हूँ एक छोटी क्लिप। गुलाब जी, जब आप गए थे वहाँ पे तो दोनों युवक क्या, मतलब किस हालत में थे या किस, क्या कर रहे थे उस टाइम पे? जैसे लड़के ने आवाज़ मारी तो हम जैसे गए ऊपर तो एकदम से नशे में धुत थे, इतनी दूर दूर तक बदबू आ रही थी दारू की और उनको ये नहीं पता था कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी, ऐसा उनका बर्ताव था। तो जब हम गए तो वो थोड़े से शांत हुए, शांत होने के बाद और फिर जाके उन लोगों ने कहा कि हम स्टूडेंट हैं और हमें प्लीज़ माफ़ कर दो, गलती हो गई है। तो हमने भी सोचा कि मामला आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता और वो अपने रोज़गार के लिए ही खड़ा रहता है, ना कि लड़ाई के लिए। तो इस तरह से देखा तो सब ने कहा कि भाई साहब, सब इन सब लोगों ने कहा कि जिनको छोड़ दो, अभी ये माफ़ी मांग रहे हैं। हमने छोड़ दिया उनको और आगे जाके वो गाड़ी लेकर जैसे थोड़े से आगे गए, आपने क्लिक तो देखी है,
जाके खड़े हुए, उन लोगों ने वीडियो बना रखे, बना रहे थे, और उतने में हमने कहा भाई आपको छोड़ दिया है तो आप चले जाओ, अभी हम कोई बवाल नहीं करना चाहते, आप चले जाओ। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों को फिर गाड़ी रिवर्स में आके मारने की, कुचलने की, पूरे लोग खड़े थे घेरा, जैसे 15-20 लोग थे, सब लोगों पे चढ़ाने की कोशिश की। हमने बीच बचाव किया और बैरिकेडर लगे हुए थे साइड में, जैसे तुरंत भागे तो कुछ लोगों को चोटें भी आई। जैसे उसी ये उसी लड़का अपने ध्यान से अपनी दुकान से खड़ा था, तो पीछे ऐसे जगह पीछे से वो दरवाजा आके इनको साइड लगी हाथ पे। तो यानी पूरा रोड जाम हो गया था, आप देख सकते हैं कि पूरा रोड जाम हो गया था, इस तरह से हालात किए थे उसने दोस्तों। एक और बात सुनने में मैं आज पता चली है कि वो लोग है सिग्नेचर ब्रिज के नीचे, वो वहाँ पे सुबह सुबह ड्रिंक कर रहे थे, और एक बंदा उसने देखा था, और वहाँ पे भी दरवाजे बैरिकेटर था, उसमें गाड़ी उसकी लगी थी, और दो कुत्ते उनको भी मारा है। अच्छा, हाँ ये भी सामने बात आ रही है। आज वो उन कुत्तों को मिशन के जरिए, वहाँ काम चल रहा है मेट्रो का, वो मिशन के जरिए उनको ज़मीन में दफना दिया है, ये भी पता चला है। और खासकर एक बात है कि उसका गाड़ी के प्लेट नंबर ढका हुआ था, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उसने प्लेट नंबर ढका हुआ था। गाली गलौज करके मारपीट की, उसने कहा कि तुम्हें मार मार के वापस पाकिस्तान भेज देंगे। उनका क्या हक है हमें भेजने का, कौन है जो इस तरह से बात करता है। अच्छा, मैं थोड़ा रामचंद्र जी से पूछना चाहूँगा, तो इस मामले में जो ये इतनी बड़ी जो घटना घटी, इस मामले में कुछ आपने पुलिस वालों को एफआईआर लिखवाई? एफआईआर लिखी है, उन लोगों ने बोला है, पकड़ा भी है दोनों लोगों को जो घटना कर गए थे, रात को दोनों को पकड़ा है। रोड जाम हो गया था, पूरा रोड जाम हो गया था, गाड़ी खड़ी से हो गई थी। अच्छा अच्छा, ये पूरे रास्ते रोड पे ये घुमा रहे थे गाड़ी को, टक्कर मारने के लिए, मारने कुचलने के लिए। हमारे साथ हरी भाई भी हैं, ये इस कैंप के प्रधान है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या देखते हो, आप भी वहाँ पे मौजूद थे या बाद में कुछ आपको बाद में पता चला, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? सुबह का टाइम था, मैं तो थोड़ा घर पे काम कर रहा था, जिससे पता पड़ा तो हम भी अपर गए देखने के लिए, तो वो बंदे जा चुके थे। आज वो ही घटना हम देख रहे हैं, हमने दया करके, उन्होंने माफी मांगी, हमने दया करके उनको चाबी दे दी, वो फिर भी गए, फिर रिवर्स गाड़ी करके फिर सारे बंदों को मारने के लिए प्लान बना रखा था उन्होंने, पता नहीं क्या कर रखा था, फिर भी उनको दया नहीं आई। हमने माफ़ कर दिया तो उनको तो दया आनी चाहिए, उनको शर्म तो होनी चाहिए, हमारों को इतना बंदों को मार के और गालियां गलौज करके सब कुछ बोल के भी, फिर भी हमने दया आ गई तो फिर भी हमने उनको चाबी दे दी, फिर भी उनको दया नहीं आई, फिर भी आगे जाके रिवर्स करके गाड़ी को फिर ठोकने लगे, बंदों को मारने की घटना करी उन्होंने। वो जो दो युवक है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कि ऐसे जो एक आगे एग्जाम्पल खड़ा हो कि भाई कि जो ये आए हुए जो हिंदू है जो वहाँ से है, इनके साथ ऐसी घटना ना घटे।